हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू वर्ड सक्सेस में। और यहाँ पर आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक्सपेक्टेड डेट रिजल्ट की, जो आपका सीबीटी वन है वो कब तक आ सकता है और आपका जो सीबीटी टू का एग्जाम होगा वो कब तक हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको बता दूं, मैं अब अनअकैडमी पर भी एजुकेटर हूं, तो आप मुझसे वहां पर भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप मुझे वहां पर फॉलो कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके पास में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप पहले से है तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं अमित भाटी के नाम से और फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप मुझे सीधे मैसेज भी कर सकते हैं और वहां पर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो वीडियोस होते हैं आपके सीबीटी टू के लिए वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, सीबीटी टू की तैयारी आपको कराई जाएगी और ये बिल्कुल एकदम फ्री है। ठीक है, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर लेना और मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है तो। अब देखिए, बात करते हैं सीबीटी वन के रिजल्ट के बारे में, कब तक सीबीटी वन का जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। देखिए, मैंने पहले ही थंबनेल पे लिख दिया है, एक्सपेक्टेड डेट है, कोई ऑफिशियल नहीं है। आप लोग पूछे तो बता देता हूँ। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि मैं ये सब वैसे ही बना देता हूँ, इधर उधर की बातें करने लगते हैं। मैं पहले ही थंबनेल पे लिखा है कि एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है, ऑफिशियल नहीं है। तो इसके बारे में बताएंगे कि कब तक आ सकता है, एक गैश करेंगे। तो उसके हिसाब से हम देखें, अगर अभी आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो कब तक चलने वाला है, दिसंबर तक चलने वाला है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जो सीबीटी वन के अगर रिजल्ट की हम बात करें तो रिजल्ट आपका या तो इस मंथ के यानी कि अक्टूबर के लास्ट तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर आप नवंबर के स्टार्टिंग तक ये रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसके पीछे एक रीज़न है। अगर हम देखें, कुछ दो प्रोसेस होते हैं किसी भी रिजल्ट डिक्लेयर करने की, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक तो ये अभी जो है फाइनल आंसर की दिखा दें आपको, ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट दें, या फिर आप ये जो है इस स्टेप को कैंसिल कर दें, फाइनल आंसर की जो होती है वो ना दिखाएं और सीधा आपको रिजल्ट दे दें। ठीक है, एसएससी की अगर हम बात करें, एसएससी क्या करता है, पहले आपसे आंसर की दे देता है, उसके बाद जो एरर होते हैं उसके बाद फाइनल आंसर की देता है। हालांकि वो कई बार दे देता है लेकिन ज़्यादातर फाइनल आंसर की देता है, उसके बाद रिजल्ट दे दिया जाता है। ठीक है, अगर ये इसी को फॉलो करेंगे तो आप सोच सकते हैं, वैसे रेलवे का फास्ट चल रहा है इस बार, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो रेलवे सीबीटी वन का रिजल्ट है आपका वो अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। और अगर सीबीटी टू के एग्ज़ाम की हम बात करें, सीबीटी टू के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो आप ये समझ सकते हैं जनवरी के स्टार्टिंग में या जनवरी के लास्ट में ये आपका होने की काफ़ी चांसेस है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि आरपीएफ जो है उस वो भी तो एग्ज़ाम होना है, आरपीएफ वाला जो रेलवे पुलिस फोर्स का जो एग्ज़ाम है वो भी होना है। तो उसके बारे में बता दूं, जैसा इन्होंने पहले कमिटमेंट किया था एएलपी वाली जो भर्ती है इसको लेकर, तो इनका यही था कि हम जो 2019 तक चुनाव से पहले इसको कंप्लीट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो चुनाव से पहले कंप्लीट कराना है तो ये सारी चीज़ें इनको पहले करनी होगी। और मुझे भी लगता है कि ये एएलपी को पहले ही कंप्लीट कराएंगे आरपीएफ से। ठीक है, और इसके बारे में देखो, ये कैसे कराएंगे, इस तरीके से हो सकता है एएलपी का ये सेकंड पेपर ले लेंगे जनवरी के स्टार्टिंग या लास्ट तक ख़त्म करा लेंगे, तो इसमें काफ़ी कम टाइम लगने वाला है क्योंकि 10 लाख के आसपास बच्चे होंगे, तो यहाँ पर कम टाइम लगने वाला है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला है, एक महीने के आसपास इसमें लग जाएगा एग्ज़ाम कराने में आरपीएफ वाले में, यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये पहले एएलपी को कराना चाहेंगे और इतने एएलपी के सेकंड यानी कि सीबीटी टू का रिजल्ट तैयार होगा, इतने ये वाला जो आरपीएफ वाला प्रोसेस है ये कम्प्लीट करा लिया जाएगा। इस तरीके से इनकी प्लानिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, और आपने देख लिया होगा आपके पास में कितना टाइम है, अभी आप ये सोच के चलिए आपके पास में 3 मंथ हैं आपके सीबीटी टू के लिए एटलीस्ट। ठीक है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के लास्ट तक आप मान सकते हैं, और अभी आपके पास में अक्टूबर कुछ है आपके पास टाइम, तो कुल मिला के 3 मंथ हैं। 3 महीने में आपको पढ़ाई करनी है अपनी सारी, जो भी कुछ करना है, तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा और अपना टारगेट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कुछ इस तरीके से ही लेके चलना, तो आप इजीली फिर सेकंड पेपर में कर पाएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक आपका डाउट है कि जो पेपर होगा सीबीटी टू का, ये मेजर डाउट है, इसको बता देता हूँ। सीबीटी टू का जो पेपर है, पेपर ए, पार्ट ए और पार्ट जो बी है, ये दोनों ही दिन मतलब अलग अलग होंगे या फिर एक ही दिन होंगे पेपर, तो ये एक ही दिन पेपर कराए जाएंगे। पहले मीटिंग में आपका पार्ट ए ले लिया जाएगा और फिर से आपका पार्ट बी ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका जो डाउट है ये दोनों आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से।
और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर कोई और अपडेट आएगी, कोई और न्यूज़ होगी, आपको अपडेट कर दिया जाएगा, और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।